नमस्कार दोस्तों, आज 9 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है वो है आरबीआई होल्ड्स रेट वोज टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी, है ना। जो रेट होते हैं उसके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको जो है उसी में रखा है और कोई विशेष बदलाव नहीं किया है, इसी पे बात की गई। तो आपको क्या देखना है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट किसको कहते हैं और ये कब काम आता है, कैसे इसे महंगाई कंट्रोल करने के टूल के रूप में यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें आपको देखनी है, पढ़नी है और लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद है कनाडा इज़ गिविंग स्पेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्चुअल में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की वर्सी थी, सॉरी इंदिरा गांधी की नहीं, ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्सी थी और उसको उन लोगों ने एक तरीके से इंदिरा गांधी का फोटो लगा के उसका प्रदर्शन किया और जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इस तरीके की हरकतें की, और इसमें इसको रोकने में कनाडा सरकार असफल रही और इसी पे जयशंकर ने कहा है कि ये बिल्कुल मतलब एकदम से असफल रही है कनाडा सरकार और इसकी कड़ी निंदा करता है भारत, है ना। तो ये मामला था। भारत और कनाडा के रिश्ते के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद जो है अगली जो न्यूज़ पढ़नी है वो हमें पेज नंबर 8 पे पढ़नी है ना, पेज नंबर 8 पे पढ़नी है। अब क्या पढ़नी है पेज नंबर 8 पे, तो हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एम्फेसिस। इकोनॉमिक एम्फेसिस का ये है कि जो नेपाल, द फोकस वाज ऑन ट्रेड डेवलपमेंट टाइल्स ड्यूरिंग नेपाल पीएम विजिट। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड भारत आए थे और इनके बीच में कई समझौते हुए हैं, कई बांधों को लेकर समझौता हुआ है, रेलवे के लिए समझौता हुआ है और इस तरीके से वाटरवेड के लिए समझौता हुआ है। तो इसी पे पूरी बात की गई है कि क्या क्या यहाँ पे किस किस कौन कौन से समझौते हुए और आर्थिक रूप से किस प्रकार से ये लाभदायक होंगे, इसी पे बात की गई। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना, जिससे भारत नेपाल संबंधों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से जो जानकारी मिलेगी उसे पॉइंट में 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट में करके लिख लेंगे और, है ना, इसको इंडिया नेपाल करके एक वो कर देंगे और इसमें जब भी कोई पॉइंट मिले तो प्लस करते हुए इसको लिखते चले जाएंगे। जब भी आप कोई भी आईआर का मामला पढ़ें तो उसमें क्या करें कि ऊपर जैसे इंडिया नेपाल है तो इंडिया नेपाल के साथ साथ जैसे 3 4 5 लाइन जो प्रारंभिक हिस्ट्री हिस्टोरिक हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिक जो कि बदल नहीं सकता, जो माइलस्टोन टाइप है उसको बदल नहीं सकते वो चीज़ें, और साथ में करंट जो मामले अभी होते हैं उनके बारे में लिखते चले जाएं। 2 से 3 साल का एनफ होता है आंकड़ा, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं जानना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन, मैंने पहले ही कहा है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है तो उसे ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 9 पे, है ना। पेज नंबर 9 पे क्या पढ़ना है, डू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्क। जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उस पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, पीएलआई स्कीम जो चलाया जा रहा है, क्या वो काम कर रहा है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो पीएलआई स्कीम भी समझ में आएगा और ये कैसे काम करता है ये भी समझ में आएगा और व्यापारियों के लिए या जो उद्योगपति हैं उनके लिए कितना लाभदायक मिला है या कितना निवेश ये आकर्षित करने में सफल हुआ है, ये भी आपको यहाँ से समझ में आएगा, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है व्हाट वाज पेज नंबर, साइक्लोन इफेक्ट ऑन मानसून ऑनसेट, है ना। साइक्लोन इफेक्ट शुरू हो चुका है ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो केरला में धीरे धीरे मतलब मानसून आगे की ओर बढ़ता जा रहा है ना, तो आप इसे देखेंगे। और ये जो है पूरे मानसून, कैसे मानसून आता है, किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है, इसी पे पूरी बात की गई है। व्हाई डज ए साइक्लोन पोजिशन मैटर, क्यों मैटर करता है ये जो साइक्लोनिक पोजिशन बना है, इसके बारे में पूरी बात की गई है, तो आप इसे देखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन। यूपीआई ट्रांजेक्शन में कितनी लिमिट होनी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, इसी पे बारीक बात की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि किस यूपीआई ट्रांजेक्शन में कितनी लिमिट है, किसकी 1 लाख है, किसकी 2 लाख है, किसकी 5 लाख है, कौन सा बैंक 50,000 तक देता है, कौन सा बैंक 25,000 तक देता है, इसके बारे में एक डिटेल चर्चा की गई है, तो आप इसे भी पढ़ लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये है साइक्लोन, उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर लें। अभी बहुत नज़दीक है क्योंकि लिखने में मीन्स के उसमें नोट्स में काम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप यूपीआई में भी आप क्या करें कि जो लिमिट्स हैं वो किनके किनके लिए हैं वो चीज़ें लिख लें यहाँ पे, है ना। तो ये फैक्ट हो गए, यहाँ पे जो बताया वो फैक्ट हो गया, यहाँ पे लिमिट बताया वो फैक्ट हो गया। तो ये फैक्चुअल है और ये सामान्यतः आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या मुख्य परीक्षा में आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें कहीं पे अपने तर्क को वजनदार बनाने के लिए या तर्क को तर्कसंगत बनाने के लिए आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये देख लेंगे। इसके बाद है जो पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे हमें क्या पढ़ना है, तो मोर मुस्लिम कास्ट है ना ऑन बंगाल ओबीसी लिस्ट से एनसीबीसी लिस्ट, है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट जो है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो कास्ट है बंगाल में ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ओबीसी लिस्ट में कौन शामिल कर सकता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। साथ ही साथ ऐसा क्यों किया गया है कि मोर हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों को ओबीसी लिस्ट में क्यों डाला गया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीति है या फिर सामाजिक आर्थिक चीज़ों के कारण किया गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम 2024 से हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना, पेज नंबर 14 पे है। और नेशनल एग्जिट टेस्ट एक्चुअल में क्या है कि जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो उसके लास्ट ईयर में एक टेस्ट लिया जाएगा, उसे नेशनल एग्जिट टेस्ट कहेंगे और विल बी हेल्ड फ्रॉम 2024 से ये लागू किया जाएगा, जिसके बाद ही आप किसी अगले पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी है एक तरीके से, है ना, इसकी इसी पे बात की गई है। और इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि क्यों हम परीक्षा दें, ऐसी बातें चलती रहती हैं। अभी मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है तो होगा ये सही, है ना। तो इसके बारे में आप जाने कि क्या यह सही है या फिर गलत है, क्या ऐसे टेस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लें। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे, ईवी टू व्हीलर फॉर्म सेंड एसओएस टू एफएम फ्लैग राइजिंग स्ट्रेस, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर जो फॉर्म्स हैं वो एसओएस टू एफएम मतलब एक जो ई व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं उनके जो संगठन हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है फिनेंस मिनिस्टर को कि आप जो हैं वो सब्सिडी में कम कम कटौती कर रहे हैं, इसे बढ़ाए रखिए ताकि उन लोगों को अभी राहत मिले और वो आसानी से इसका उत्पादन कर सकें और बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकें, है ना। दोस्तों आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्या और क्यों पढ़ें इसके लिए डेली सुने, और यदि आप यूपीएससी के गंभीर अभ्यर्थी हैं तो डेली टास्क पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप 6 महीने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे यूपीएससी के लिए, ठीक है। अगली न्यूज़ पे जाते हैं। एजी ट्रेड फिनेंस इज की टू ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट, है ना। यदि एजी ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड में आसानी हो जाएगी, तो ये $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इसी पे बात की गई, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एफोर्डेबल ट्रेड फिनेंस इज द की ऑफ अचीविंग इंडियाज $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030 इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट, है ना। तो ये क्या होता है, इजी अवेलेबिलिटी क्या होती है, किसे कैसे हम इसको उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है, थोड़ा सा पढ़ना है ना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है आज हमें, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।